अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम क्लास, मैं मुजम्मल हुसैन आपसे मुखातब हूँ। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दिए गए कालबों को हल करें। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। अब जो है इस लेक्चर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मीन्स के दिए गए कालबों को हल करें। कालब गिवन है हमें, हमने जस्ट इनको प्लस माइनस करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो भी ऑपरेशन होगा उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। प्लस का है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में राइट किया हुआ है फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम और ब्रैकेट क्लोज है, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा रखी है, प्लस एक और तीसरा कॉलम भी इसके साथ ऐड हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जब भी इस तरह के दो या तीन मैट्राइसेस एक साथ आ जाएं प्लस या माइनस साइन के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मॉल मैट्राइसेस होती है मीन्स एक छोटी ब्रैकेट होती है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी दो मैट्रिक्स लिखे होंगे जिस साइन के साथ, उसको प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। और रूल वही है कि इनका आर्डर सेम होना चाहिए, और सेकेंडली हर रो को रो में ऐड कर देंगे एंट्रीज़ के साथ, या कॉलम को कॉलम में, जैसे इजी लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करने का मेथड मैंने फर्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से समझा दिया है। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वन को ज़ीरो के साथ, और इस तरह इसका सेकेंड एलिमेंट ज़ीरो को टू के साथ, और इसका नेक्स्ट आ जाएगा ज़ीरो प्लस थ्री, और इसी तरह से इसका आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो। ये हमारे फर्स्ट टू जो कॉलम है, ये वाले दोनों, इनको हमने जमा कर दिए, और जो बाहर है ब्रैकेट के उसको आपने उसी तरह से लिख लेना है, वन 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 और ये ज़ीरो, ये आपने उसी तरह से इसको राइट कर लेना है, ठीक है जी। अब हमने फर्दर इसको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इस वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना है। डायरेक्टली अगर आपको समझ आया तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टेप बाई स्टेप ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब वन प्लस ज़ीरो करेंगे तो वन, ज़ीरो प्लस टू करेंगे टू, ज़ीरो प्लस थ्री करेंगे थ्री, और वन प्लस ज़ीरो करेंगे तो यह आ जाएगा ज़ीरो। सिंपल एडिशन की है, कुछ भी नहीं है, और सेम ऐड करेंगे अगेन इसको वन 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 और यह आ जाएगा ज़ीरो। फर्दर इसको हमें क्या करना है जी, ऐड करना है, साइन आ रहा है इसका एडिशन का, तो वही मेथड है, फर्स्ट रो में फर्स्ट और सेकंड को सेकंड में ऐड कर देंगे, वन वन में ऐड हो जाएगा, वन प्लस वन राइट करेंगे, टू प्लस वन करेंगे, थ्री ये वाला वन करेंगे, और इसी तरह से वन प्लस ज़ीरो राइट करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से एडिशन आ जाएगी। और इसको आप सिंपल ऐड करेंगे, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन ये फोर आ जाएगा, वन प्लस ज़ीरो ये वन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व हो गया है। बिल्कुल इजी मेथड है, जिस तरह हमने पहले वीडियो में एडिशन सब्ट्रैक्शन की है वही तरीकाकार है। कोई भी अगर आप दो या तीन जितने भी कॉलम आ जाएँ, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, 4 का सेकंड थर्ड वो और इस तरह 5 जो है और जो 6 है वो आपने एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करने खुद से। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 आ रहा है हमारे पास वो क्या है, इसको हमने सेम वही मेथड है कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट में ऐड करने जा रहे हैं, तो वन प्लस क्या लिखेंगे, वन राइट करेंगे, टू प्लस वन लिखेंगे, और इसी तरह से थ्री प्लस वन राइट कर देंगे। ये फर्स्ट रो आ गई हमारे पास, और इसी के मुताबिक सेकंड रो में आ रहा है माइनस का वन, और इसका आ रहा है प्लस का टू, इसी तरह से माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, और अगेन से हम इसको राइट करेंगे ज़ीरो प्लस थ्री, वन प्लस थ्री और टू प्लस थ्री। अब इसको फर्दर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आपस में दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर,
और टू में से वन माइनस किया वन, टू माइनस वन वन, और ये अगेन वन आ जाएगा। थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, थ्री प्लस वन फोर, और थ्री प्लस टू फाइव। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फोर सॉल्व हो गया। और इसी तरह से जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और जो मैंने बाकी छोड़े हैं, वो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। सेकंड छोड़ा है, थर्ड, और इसके अलावा ये फाइव और सिक्स, ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है सेम मेथड के अकॉर्डिंग। अब इसका क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है जी? क्वेश्चन नंबर फाइव गिवन है, वेरीफाई द फॉलोइंग, दर्ज एल की तस्दीक करें, ए बी सी, ये मैट्रिसेस हमें गिवन है ए बी और सी, इनको हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट टू राइट साइड में दोनों वैल्यूज गिवन है, इसमें ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव जो लॉ है, खासत मुबादला कालम में होल्ड करती है। अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, हमने ये सिंप्लीफाई करना है, इसकी तस्दीक करनी है कि ये इक्वल है, तो हमने ये साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट कर ली है फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस सी, और राइट हैंड साइड का किया सी प्लस ए। तो पोजीशन का ख्याल रखते हुए फर्स्ट में हमने ए का कॉलम यूज़ किया है यहाँ पे, और प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे जस्ट पोजीशन चेंज किया, सी फर्स्ट में राइट करना है और ए को बाद में लिखना है। सी की वैल्यू ये फर्स्ट में लिख दी है और ए की सेकेंड में। अब हमने सिंपल वही मैथड जो पहले क्वेश्चन नंबर फोर में, उससे पहले सेकेंड में भी हमने यूज़ किया, इनको हमने क्या करना है, जस्ट आपने ऐड करवाना है। क्या करवा देना जी? ऐड। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका वन, इसका प्लस माइनस ये माइनस वन, ये टू प्लस ज़ीरो आ जाएगा, इसका थ्री प्लस ज़ीरो आ जाएगा, और अगेन इसको अगर सॉल्व करें तो वन, ये आ जाएगा टू प्लस ज़ीरो, और फर्दर ये आ जाएगा थ्री माइनस टू आ जाएगा, ये माइनस के साथ है, ये वन प्लस थ्री आ जाएगा, और ये वन प्लस वन आ जाएगा, ये माइनस वन और प्लस वन आ जाएगा, ये ज़ीरो प्लस टू आ जाएगा। सिंपल ऐड कर दिया, और ऐसे ही इसको भी हम ऐड कर देते हैं। सिंपल पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं कम्प्लीट। तो इसको ऐड करने से क्या आंसर आएगा, सिंपल ऐड करते हैं। वन माइनस वन ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री प्लस वन ज़ीरो थ्री, टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू वन, वन प्लस थ्री फोर, वन प्लस वन टू, और वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू टू आ जाएगा। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो इसको भी सेम मेथड से हमने क्या करना है जी, ऐड करवाना है इसको आपस में। तो ऐड करवा देते हैं, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो प्लस थ्री, और ज़ीरो आ जाएगा इसका टू, माइनस टू प्लस थ्री, थ्री प्लस वन, वन प्लस वन, वन माइनस वन, और ये टू प्लस ज़ीरो, ये आ गया, इस तरह से ऐड हो गया। अब इसको हम सिंपल ऐड करते हैं, नेक्स्ट ये आ जाएगा ज़ीरो, ये आ जाएगा टू, और थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, वन ज़ीरो टू थ्री, और यह आ जाएगा टू, और यह आ जाएगा वन, थ्री प्लस वन ये हो जाएगा फोर, और एक ये वाला दो ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये आ जाएगा हमारे पास टू। तो स्टूडेंट देखें, इसमें वन और इक्वेशन जिसका हमने नाम रखा हुआ है, तो इन दोनों को आप पहले चेक कर लें, कंपेयर कर लें। तो ये सेम आ रही फर्स्ट रो, सेकेंड रो में टू वन फोर आ रहा है, और थर्ड में टू ज़ीरो टू आ रहा है। तो ये हमारा रिजल्ट जो था, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। सो ये स्टूडेंट हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो हम कह सकते हैं ए प्लस सी वो इक्वल है हमारे पास सी प्लस ए। तो डियर स्टूडेंट, सेम मेथड है, सेम स्टेप्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर फाइव के आई थिंक टेन पार्ट हैं। तो एक आधा क्वेश्चन हम और करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो, इससे माइनस वाला रिलेट कर लेते हैं। बाकी सारे आप लोगों ने क्या करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, और अगर हम सारे सॉल्व करेंगे तो वीडियो जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो अब आपकी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, जस्ट सिंपल आपने यही मेथड है, यही तरीका कार है, तमाम क्वेश्चन भी अप्लाई करवा देना है।
एक से ज़्यादा आ जाए तो वो क्वेश्चन नंबर फोर में भी हमने सॉल्व किए हैं, अगर तीन या चार आ जाते हैं तो उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका एक और कर लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसका सेवन कर लेते हैं, उसमें मैंने सार है तो एक क्वेश्चन नंबर सेवन सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइव का, ए सी माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। ये हमने सिंप्लीफाई करना है कि ये अंडर जो सब्ट्रैक्शन है ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता, ये माइनस की फॉर्म में आ रहा है तो इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने राइट कर दी है सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए, तो सी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल जिस अरेंजमेंट में ये लिखे हुए हैं मैट्रिक्स उसी तरह आपने यूज़ करना है, सी की वैल्यू फर्स्ट में फिर सेकंड बी और इस तरह लास्ट में ए आ जाएगा। और ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में आ रहे हैं छोटी ब्रैकेट में। तो क्या करेंगे जी, इसके वो दरमियान में माइनस आ रहा है, तो जब भी माइनस आता है आपको याद होगा कि हम सेकंड वाले मैट्रिक्स की अलामतों को चेंज करके इसमें ऐड करते हैं। ये माइनस वन आ रहा है तो ये वन प्लस का है, तो इस माइनस की वजह से माइनस का वन आएगा। अगेन ज़ीरो है ये माइनस वन और ये माइनस माइनस इसको कर देगी प्लस, और इस तरह ये ज़ीरो और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा, प्लस में तो ज़ीरो आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का टू हो जाएगा और माइनस का टू आएगा उसी तरह से, ये माइनस माइनस ये वाला प्लस का टू हो जाएगा, ये थ्री लिखेंगे और इसी तरह ये माइनस का टू आ जाएगा। अब ये वन और नेक्स्ट में ये थ्री माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा वन, और ये माइनस वन, ये टू हमारे पास और ये माइनस का थ्री, तो ये इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट वाला उसी तरह से हम राइट कर देंगे दोबारा, वन टू थ्री टू थ्री वन वन माइनस वन एंड ज़ीरो, ये हमने अगेन उसको राइट कर दिए। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन इसी करते हैं, माइनस वन माइनस वन माइनस का टू हो जाएगा, वन माइनस वन और माइनस टू, ये माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, थ्री माइनस टू वन और ये माइनस का टू बचेगा, थ्री बड़ी रकम है, एक में से एक माइनस किया ज़ीरो, दो माइनस तीन करेंगे माइनस का एक, और फर्दर आ जाएगा उसी तरह से अगेन दोबारा हम ये राइट कर देंगे वन टू थ्री टू थ्री वन वन माइनस वन और ज़ीरो। अब इसको हमने फर्दर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का टू, ये माइनस का हो जाएगा वन, और इसी तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा इस माइनस की वजह से माइनस का टू, और ये माइनस का वन आ जाएगा, और ये भी हमारा माइनस थ्री हो जाएगा। जब भी यहाँ पे माइनस आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड वाली मैट्रिक्स के, तो ये माइनस टू राइट उसी तरह से किया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये ज़ीरो है और ये भी क्या हो जाएगा इससे माइनस, और ये वन से वन क्या हो जाएगा माइनस, और इसी तरह माइनस का टू, और ये क्या है हमारे पास वन ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस का है तो प्लस वन, ये माइनस वन और ये माइनस का ज़ीरो लिखें प्लस का ज़ीरो लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो ज़ीरो होता है। और इसको हम अगेन क्या करते हैं, माइनस वन माइनस टू और माइनस वन ये हमारा हो जाएगा माइनस का थ्री हो जाएगा, माइनस का थ्री और वन माइनस टू माइनस का वन और माइनस वन माइनस वन माइनस का फोर और इसी तरह माइनस टू माइनस टू माइनस की फोर और ये आ जाएगा माइनस का थ्री और ये आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो, ये माइनस टू और माइनस का वन ऐड हो गया माइनस का थ्री, ये आ जाएगा वन और ये आ जाएगा माइनस का वन। अब हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी, तो अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू मैंने राइट करती हैं सी प्लस ए माइनस बी, तो ये सी की वैल्यूज आ गई, ये ए आ गया हमारे पास, ये ब्रैकेट लगा दी हमने छोटी जो भी है माइनस और लास्ट में बी राइट कर दिया। तो सेम वही मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन फर्स्ट को माइनस कर देंगे आपस में, तो माइनस का वन और ये माइनस का वन हो जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस टू, मीन्स कि जब भी माइनस आएगा इनके आपने साइन चेंज करके इसमें ऐड करना है, तो ये प्लस थ्री है तो इसको आप माइनस थ्री डायरेक्टली लगा दें, और इस तरह से ज़ीरो है ये प्लस है तो इसको माइनस कर दे, इस तरह ये पहले वाला उसी तरह से, फिर ये क्या आ रहा है माइनस का हो जाएगा प्लस है तो ये थ्री आएगा और माइनस का वन आ जाएगा, वन और ये वाला माइनस कर देंगे वन, और इस तरह इसमें से ये वाला वन और ये वन प्लस हो जाएगा, और फर्दर क्या हो जाएगा हमारे पास ये टू और ये प्लस ज़ीरो करें माइनस ज़ीरो करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और ये लास्ट वाले को आप उसी तरह राइट करें, वन वन माइनस वन वन, टू माइनस टू और टू, थ्री वन थ्री, ये आ गया सेम। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वन माइनस वन, माइनस का टू माइनस का टू, माइनस का थ्री माइनस का टू, माइनस का फाइव, इन दोनों को किया ये टू। ये जस्ट आपको एडिशन करनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम जैसे हम करते आ रहे हैं प्राइमरी क्लासेस से, वही प्लस माइनस है। और ये वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री, ये हमने राइट कर दिया सेम उसी तरह से। अब इनको हम फर्दर क्या करते हैं जी, ऐड कर देते हैं। ये माइनस का टू, तो ये माइनस होने की वजह से मैंने कहा ये अलामतें चेंज करनी है, आप लोगों ने याद रखना है। ये माइनस टू, ये प्लस हो जाएगा वन, और ये माइनस का थ्री, और ये आ जाएगा माइनस का वन। और अगेन सेकंड रो को राइट करेंगे माइनस टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का टू, और ये माइनस का फाइव, तो ये आ जाएगा प्लस का टू, ये आ जाएगा टू, और ये आ जाएगा माइनस का टू। फर्दर तीसरी जो रो है ये हमारा ज़ीरो, माइनस का थ्री आएगा टू, और ये आएगा माइनस का वन, ये आएगा हमारे पास टू, और ये आ जाएगा माइनस का थ्री। अब इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का टू और माइनस का वन, ये दोनों प्लस हो के माइनस के थ्री आ गए। माइनस का टू प्लस का वन माइनस का वन, माइनस थ्री और माइनस वन माइनस का फोर, माइनस टू और माइनस टू माइनस का अगेन फोर आ गया, माइनस फाइव प्लस थ्री किया तो माइनस का थ्री, टू माइनस टू किया ज़ीरो, ज़ीरो माइनस थ्री किया माइनस का थ्री, टू माइनस वन किया वन, टू माइनस थ्री किया माइनस का वन। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, इसको चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी सोल्यूशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, इसका भी वही है। तो इससे क्या लिखेंगे हम कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, मीन्स के अगर हम ए सॉरी सी सी माइनस बी करें और फिर माइनस ए करें, या फिर सी माइनस ए करें और माइनस बी करें, तो ये हमारा सोल्यूशन सेम आएगा। तो इसी तरह आई होप कि आपको समझ आ गई है, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने इसके बाकी छोड़े हैं वो सारे आप लोगों ने एज ए प्रैक्टिस खुद से सॉल्व करने। और क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं सिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्स और सेवन।